अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान, नेशनल सेविंग के अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग वीडियोज बना रहे, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। अच्छा, वीडियो में आज है 26 जनवरी 2024, ठीक है, और जनाब सर्कुलर इशू हो चुका है कल की डेट में, और सर्कुलर क्या है कि 26 जनवरी मतलब आज की डेट से, बल्कि 12 तो बज गए, 26 जनवरी कहाँ रहा, अब तो 27 जनवरी हो गया है। तो जनाब 26 जनवरी की डेट से जो है वो नेशनल सेविंग की बहुत सारी स्कीमों के प्रॉफिट में तब्दीली कर दी गई, जिनमें से एक हमारा ये जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं वो है बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट, इसके भी प्रॉफिट का जिक्र है उस सर्कुलर में। तो जनाब आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इस हवाले से कि बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट मुनावज से हवाले से बात होगी। बहबूज सेविंग के इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो बहबूज सेविंग के जो जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात ये करेंगे, अगर अभी हम बनाते हैं पूरी कंप्लीट वीडियो कि कौन कौन से शेयर्स में जो है वो कौन कौन से स्कीमों में प्रॉफिट में इजाफा हुआ, किस में कमी हुई है और किस में सेव रहा है, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी इमीडिएटली बेसिस पे हम बना रहे हैं बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड, बाकी वीडियो को हम छोड़ते हैं कल परसों के लिए, फिर हम नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट के हवाले से बात करेंगे, कौन सी स्कीमों में तब्दीली हुई है, किस में नहीं हुई, किस में बढ़ा है, किस में कम हुआ है, और मजीद क्या चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल बहबूद की जो मैक्सिमम लिमिट हो 75 लाख है, तो 75 लाख ही कायम रही या उसमें भी चेंजेस आए, ठीक है। प्रॉफिट रेट के हवाले से बात करें, ईच एंड एवरीथिंग। तो जनाब बात वही है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले 10 सेकंड मैं आप लोगों के लूँगा। जनाब ये जो हमारा चैनल है नेशनल सेविंग और बैंक, नेशनल सेविंग एंड बैंक, इसका बेसिकली मकसद क्या है? बेसिकली मकसद ये है कि जनाब किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया है शॉर्ट टाइम में। मतलब ये है कि जनाब कि हम बैंकों में इन्वेस्ट करके, चाहे बैंक हो या नेशनल सेविंग हो, इसमें इन्वेस्ट करके और लीगल तरीके से किस तरह अपने 10 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दें, कर जाए, और बहुत ही शॉर्ट टाइम, मतलब एक जो अच्छी स्कीम है उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उसका प्रॉफिट उसमें मजीद प्रिंसिपल ऐड करें और फिर मजीद इन्वेस्टमेंट करें, उस पर जो है वो कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल करें, इफेक्टिव इंटरेस्ट भी रेट भी हासिल करें, और इस तरह जल्द अज जल्द जो है वो अपने जो प्रॉफिट है उसको जो है वो 10 गुना बढ़ाते, मतलब 10 लाख को जल्द अज जल्द जो है वो 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दें। ये हमारा मेन मकसद है, और लीगल तरीके से बैंकों में इन्वेस्ट करके, कोई इलीगल तरीका यूज ना हो, ठीक है। वीडियो की तरफ वापस आते हैं, बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट के वाले से गुड न्यूज़ है। अच्छा, उसके अलावा बात कर लेते हैं जनाब के जो हमारे पास जो सर्कुलर इशू हुआ उसमें क्या है, उसमें किन स्कीमों के प्रॉफिट रेट में जो है वो तब्दीली की गई, मतलब किसी में इंक्रीज हुआ है, किसी में डिक्रीज हुआ है, किसी में सेम रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में, और इसके प्रॉफिट रेट में जो है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आता है जनाब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के भी प्रॉफिट रेट में डिक्रीज हुआ है, ठीक है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की बात कर ले, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ऑलरेडी इसका प्रॉफिट रेट काफ़ी कम था, लेकिन जनाब उसके भी प्रॉफिट में मजीद कमी कर दी गई, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करें शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की, तो इसके भी प्रॉफिट रेट में कमी की गई है, ठीक है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात करें, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात हो रही है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की बात नहीं हो रही, तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के में भी प्रॉफिट रेट में कमी की गई है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बात कर ले सेविंग अकाउंट की, जो कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है, तो उस कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रेट में तब्दीली नहीं की गई। अच्छा, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात कर ली हमने, हम बात करते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, जिसमें इस वक्त सब लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसके बारे में पूछ रहे हैं, और चूंकि इसका प्रॉफिट भी जैसे बहबूद का मंथली प्रॉफिट मिलता है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का भी मंथली प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है उसकी कोई हद नहीं, जितना चाहे आप इन्वेस्ट करें इसमें। तो जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हवाले से गुड न्यूज ये है कि इसके प्रॉफिट रेट में जो है वो कमी नहीं की गई, ठीक है।
अब आते हैं जनाब अपने वीडियो की तरफ, मतलब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जिसके बारे में हम आपसे कह रहे हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज़ है। अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं, लोग बड़े सवाल कर रहे हैं हमसे कि मॉनिटरी पॉलिसी तो अनाउंस भी नहीं किया और जनाब एक महीने के अंदर अंदर जो है वो दूसरा सर्कुलर भी जो है वो नेशनल सेविंग ने इशू कर दिया कि भाई नेशनल सेविंग की स्कीमों में प्रॉफिट में कमी कर दी गई। देखिए, टोटली डिपेंड करता है एनालिसिस पे। जो लोग एनालिसिस करते हैं इस हवाले से कि मार्केट की अभी सिचुएशन क्या है, महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है तो इसके नेशनल सेविंग के प्रोडक्ट में या जो जो भी स्कीमें हैं इसमें इजाफा महंगाई को देखते हुए किया जाता है जनाब। तो अभी सिचुएशन ये है कि एक महीना भी नहीं हुआ, ठीक है, सही कह रहे हैं आप, और इतनी जल्दी अभी मॉनिटरिंग पॉलिसी भी नहीं आया, पता नहीं क्या होता मॉनिटरिंग पॉलिसी में, क्या इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है या मजीद इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा 22% से इसको ऊपर लेके 23% की तरफ जाएंगे, तो आप खुद सोचो जनाब, एक तरफ तो आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरी तरफ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट तो नहीं कहूँगा, नेशनल सेविंग की जो मेजोरिटी स्कीम है इसमें आप प्रॉफिट रेट में डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझ से बाहर। बहरहाल वीडियो की तरफ वापस आते हैं, हम कहीं और निकल जाएंगे। फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा वन सेकेंड कि जरा ये इतनी इमरजेंसी की जरूरत क्या थी, मॉनिटरिंग पॉलिसी अनाउंस होने देते और उसमें देखते अगर जो रेट है, अगर वो रेट सेम भी रहता तो जो सेम रेट है 22% का, वो तो 6-8 महीने से है, तो आपने 2-3 दफ़ा इस रेट पे भी जो है वो नेशनल सेविंग की स्कीमों का प्रॉफिट रेट कम किया। तो अभी भी ऐसे ही करते हैं लोगों के दिल में, बड़े अजीब और गरीब सवालात हैं जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी नेशनल सेविंग को कि जनाब मॉनिटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट से पहले जो है 1 महीने के अंदर दोबारा जो है प्रॉफिट रेट को डिक्रीज कर दिया। बहरहाल बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज़ है। अच्छा, वो गुड न्यूज़ क्या है जनाब? वो गुड न्यूज़ ये होगी, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट में जो है वो कमी नहीं की गई। इसका प्रॉफिट रेट जो 19 दिसंबर 2023 को था, आज भी इसका प्रॉफिट रेट वही, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। ये मेरे पास मौजूद है जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का शॉर्ट वीडियो होगी, इसको हम लंबी लंबी नहीं करेंगे क्योंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं और डिटेल्स में वीडियो मौजूद है, आप हमारे चैनल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो भी चेंजेस हुए हम उस हवाले से बात कर रहे हैं और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, इंटरेस्ट रखते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, तो बार बार इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, अगरचे बहुत सारी प्रोडक्ट का मैंने आप लोगों को हवाला दिया कि तकरीबन प्रोडक्ट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे स्पेशली वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जनाब जो आपके सवालात हो उसका जवाब मिल जाए आप लोगों को, ठीक है। तो ये वो सर्कुलर है जनाब, ये वो शेड्यूल है जिसके मुताबिक जो है बहबूद का सेविंग बहबूद का रेट जो है जब भी तब्दीली होता है यहाँ पे अपडेट हो जाता है। उसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि बहबूद का जो रेट है वो तब्दील नहीं हुआ, लास्ट जो तब्दील हुआ था वो 19 दिसंबर 2023 को हुआ था और 1340 रुपये इसका प्रॉफिट कर दिया गया था, ठीक है। लास्ट जो इसने हाई मारा था बहबूद का प्रॉफिट, वो 1380 तक गया था 10 अप्रैल 2023 के सर्कुलर के मुताबिक, उसके 30 अक्टूबर 2023 को 1360 हुआ, उसके बाद जो है 1340 पे अट गया। लेकिन गुड न्यूज़, जाहिर सी बात है, जब तमाम प्रोडक्ट के प्रॉफिट रेट डिक्रीज हो गए और उसमें एक दो प्रोडक्ट ऐसी होगी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और इंटरेस्ट भी रखते हैं, उसी का प्रॉफिट रेट डिक्रीज नहीं होगा और बाकी सब स्कीमों का डिक्रीज हो जाएगा, तो इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है। बहरहाल तो अभी तक की अपडेट ये है कि एक सिंगल हमने बहबूद से रिलेटेड वीडियो बनाई है, बाकी तमाम स्कीमों पे इंडिविजुअल और डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे कि अप रेट क्या हो गया और किस तरह प्रॉफिट ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। बहरहाल अफसोस तो बहुत हुआ, सरसर हुआ, और सबसे ज़्यादा अफसोस है कि इतनी ऐसी इमरजेंसी क्या पड़ गई थी कि 2-4 दिन पहले आप वेट नहीं कर सकते थे और मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस होती उसी दिन भरे से आप नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट्स का स्कीम रेट जो रेट है प्रॉफिट रेट वो कम कर देते, ठीक है। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के लिए गुड न्यूज़ है कि उनका प्रॉफिट रेट वो तब्दील नहीं किया गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर दिखा सकूँ तो जनाब ये देखें, यहाँ पे टॉप पे अगर ये ओपन हो जाता तो दिख जाएगा आप लोगों को कि तमाम, ये देखें लेटेस्ट प्रॉफिट रेट आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सर्कुलर के
कि सूरत ने अपडेट नहीं किया, ऐसे वर्ड फाइलें अपडेट कर दिए। लेटेस्ट प्रॉफिट इज 26 जनवरी 2024, बैंबू सेविंग सर्टिफिकेट की बात हो रही है और इसका प्रॉफिट रेट जो है 16.08% है। मतलब ये कि बैंबू सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट जो है वो तब्दील नहीं हुआ या कम नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, हम इसको बड़े आसानी से सीधा ले रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जब तमाम प्रोडक्ट की स्कीमों का प्रॉफिट रेट गिर रहा हो और बैंबू सेविंग सर्टिफिकेट उस वक्त भी जो है एक अच्छे मोड में मौजूद हो, 1340 का जो 1340 रुपये का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो जनाब बैंबू सेविंग सर्टिफिकेट हो, जो श्रोता फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो या फिर सीनियर अकाउंट हो, उस तमाम के लिए ये है कि जनाब आपके प्रोडक्ट में जो है प्रॉफिट रेट में कमी नहीं की गई है, इसको एज इट ही बरकरार रखा गया। ठीक है, बैंबू सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और श्रोता फैमिली वेलफेयर अकाउंट की बात कर रहे हैं हम, ये सब बैंबू का हिस्सा है और इन पर प्रॉफिट रेट में कमी नहीं की गई। ठीक है, डिटेल्स में वीडियो हम बताएंगे, लेकिन 12 सवाल से देने से बेहतर है कि सब्सक्राइबर को, ये जो सब्सक्राइबर इनको बता दिया कि बैंबू सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट में तब्दीली नहीं की गई है 26 जनवरी 2024 को जो सर्कुलर इशू किया गया है इसके मुताबिक। बहरहाल उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोग से ही है अगर आप हमारे चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।